तरीके से आज की मुहिम है कि इश्क आंखों से होता है और आंखों का इलाज कराना जरूरी है, ये दिमाग में आपके कैसे सूझा कि हाँ चलिए ये करते हैं मिलके? एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन कुछ अलग नहीं सोच पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल बन के उभरा है हमारा चंद्रांस फाउंडेशन, साथ ही एक शिक्षक हैं और एक कपल ऐसा है जो वाकई में कुछ अलग करता है, और आज देखिए कुछ अलग करने की धुन में इन्होंने वैलेंटाइन डे को एक अलग से तरह का सेलिब्रेशन में तब्दील कर दिया है। ये लोगों का आज इलाज करवा रहे हैं, वो भी मुफ्त निःशुल्क इलाज करा रहे हैं, और खासकर इन्होंने कहा है कि साहब इश्क मोहब्बत आंखों से होती है, आपने लिखा था मुझे कि इश्क मोहब्बत आंखों से होती है, उसी आंख को ठीक करा रहे हैं आप। वाकई में अलग कर रहे हैं भैया और भाभी दोनों, और आज वैलेंटाइन डे है, सबसे पहले कैसा लग रहा है पंकज जी आप बता दीजिए, और खासकर आज क्या मकसद था आज यहाँ पे? मकसद मेरा यही था कि आज जो बसंत पंचमी थी त्यौहार था, और दूसरा प्यार का दिन है, देश से मोहब्बत का भी दिन है और अपने से मोहब्बत का भी दिन है। तो आइडिया ऐसे आया कि अभी एक हफ्ता पहले करिश्मा का चश्मा जो है खराब हो गया था, तो इन्होंने कहा मेरा चश्मा बनवा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो इनका LIC का कमीशन आया था, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको जो है कुछ अच्छे काम में सेलिब्रेट करें, पहले मेरी कमाई है, तो इन्होंने कहा मुझे कि ठीक है हम लोग एक कैंप लगवाते हैं जिससे लोगों की जो आंखों की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो अभी हमने कल एक पोस्ट किया था, आपने देखा होगा फेसबुक पे, एक बुजुर्ग हैं वो अपनी पत्नी को चश्मे के बिना नहीं देख पा रहे थे, तो हमने सोचा कि ऐसे लोग जो हमारे बीच में हैं जिनको ज़रूरत है इसकी, कि वो ऐसे आगे आके अपनी आंखों को सही करें, और आज ये दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि प्यार का दिन है और मोहब्बत आंखों से ही होती है। तो इस दिन को हमने सोचा कि क्यों ना नेत्र परीक्षण के रूप में इसको किया जाए, और आज शहीदों को याद करने का भी दिन था, तो इससे अच्छा दिन हमें मुझे नहीं लगा। तो आज जो ये दिन है वो अपने प्यार करने वालों को डेडिकेटेड है और हमारे देश को डेडिकेटेड है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और वाकई में आप गोरखपुर के सिकंदर हैं, मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि अंतिम तक बहुत सारी बातें मुझे करनी है। एक सवाल मेरा मन है कि आज की पुलवामा दिवस है, काव्य गोष्ठी भी मैंने सुनी आयोजित हुई थी। जी जी, इसमें हमारे बीच में निर्भय जी आए थे, महेश श्रीवास्तव जी आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी कि क्यों ना इसको देश के शहीदों के नाम कुछ लाइन कुछ पंक्तियाँ जो है समर्पित की जाएं। तो हमारे बीच महीप भैया थे और निर्भय जी थे, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से देश को और प्यार करने वालों को समर्पित कुछ लाइनें व्यक्त की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले ये प्लान था कि एक बहुत बड़ा आयोजन था क्योंकि टेंट की व्यवस्था थी, सुबह बारिश हो गई तो मुझे लगा ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि जो चीज़ मैं ठानता हूँ वो करके ले जाता हूँ चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी। और देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे हुई है, बारिश होने के बावजूद डॉक्टर्स भी आए हैं, साथ ही लोग भी आ रहे हैं। अब ये गोला क्षेत्र पड़ता है, गोला का वार्ड नंबर 6 है, एक ऐसे जगहों पे कराने की क्यों दिमाग में सूझी? क्योंकि बाहर भी करा सकते थे, कहीं चौराहे पे भी करा सकते थे, एक मोहल्ले के अंदर अंदर एकदम पूरा यहाँ पे। देखिए चंद्रांश फाउंडेशन का मकसद ये नहीं होता कि मैं लाइमलाइट बटोरूं, मेरा मकसद ये होता है कि जो जरूरतमंद है, बाकी बहुत लोगों का पैसा है वो जाते हैं क्लिनिक पे 500 रुपये 1000 रुपये दे देते हैं, लेकिन ये ऐसा तबका है जिसको मैंने कहा ना अभी 70 रुपया पगार पाने वाला व्यक्ति जो अपने आंखों को ठीक नहीं करा पा रहा है, चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, तो उनके लिए हम लोग खड़े रहते हैं। तो समाज का जो सबसे निचला वर्ग है हम लोग उनके लिए खड़े हैं। तो ये जो मोहल्ला है हमेशा इसको दरकिनार माना जाता है कि ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं जो अपना जो जीवन यापन का है वो सही से नहीं कर पाते। तो मैंने सुना कि ये मोहल्ला चुना जाए, और आगे हमारा एक मिशन है, मिशन उजाला करके, जिसको हम चंद्रांश फाउंडेशन की तरफ से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम गांव-गांव कैंप लगाएंगे और ऐसे लोगों को आंखों की रोशनी देंगे जो अपने आंखों की रोशनी के बिना अपने प्यार करने वालों को, अपने चाहने वालों को देख नहीं पाते। अच्छा, चंद्रांश फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी लाइन बता दीजिए कि कब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू आपका लिया है, थोड़ा चंद्रांश फाउंडेशन के बारे में बता दीजिए, और भाभी भी जुड़ गई है तो ये तो डबल खुशी है। बिल्कुल, चंद्रांश फाउंडेशन जैसे 2016 में मेरी जॉब लगी थी, तो मेरा ये मतलब सोचना था कि मैंने गरीबी देखी है, तकलीफ देखी है, तो कुछ जो ऐसा वर्ग है जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है उसको लेके मैंने इस फाउंडेशन को 21 अप्रैल 2018 में इसको शुरू किया था, और आज 6वां साल है, रजिस्ट्रेशन अभी हुए इसको 3 साल हुआ, लेकिन मैं इसको 5 साल से चला रहा हूँ, और मैं अकेला यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, यहाँ सबका समर्थन होता है, नफरत करने वाले भी हैं लेकिन उससे ज्यादा प्यार करने वाले हैं, तो हमें प्यार करने वालों पर ध्यान देना है, नफरत करने वालों को छोड़ देना है। अच्छा अच्छा, तो बस इसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें अभी 4 बैचेस गोला में चल रहे हैं, जिसमें 160 बच्चे अभी मुफ्त में शिक्षा ले रहे हैं, हम लोग हर साल पेड़ भी लगाते हैं, और खुद एक सरकारी शिक्षक। बिल्कुल, और आप हमारे विद्यालय पे एक बार आए भी थे, आपने हमको कवर भी किया था, और हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाभी, आप सबसे पहले चंद्रांश फाउंडेशन से जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आज की मुहिम है कि
इश्क आंखों से होता है और आंखों का इलाज कराना जरूरी है, ये दिमाग में आपके कैसे सूझा कि हाँ चलिए ये करते हैं मिलके? एक्चुअली एक बार क्या हुआ, जैसे मैंने इनको चश्मा बोला बनाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ वैलेंटाइन डे पे कुछ स्पेशल किया जाए, हमारे साथ साथ सबकी आंखों की रोशनी की दिक्कत होती है तो उसको भी ठीक किया जाए। अच्छा। और शायद जैसे मैं इनको अपनी आंखों से देखती हूँ वैसे सभी लोग अपने आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाकई में ये गर्वित वाला पल है। और जितने भी कपल आज देख रहे होंगे ना वैलेंटाइन डे के दिन देख रहे होंगे, हर लोग ये सोचते होंगे कि हमारा जोड़ा ऐसा रहे, ऐसे सोचे समझे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी व्यस्तता इनके पास रहती है, कई बार स्कूल जाना रहता है, उसके बाद स्कूल से आते हैं तो चंद्रांश फाउंडेशन के काम में गुस्सा नहीं आता है अंदर से कि अरे यार मेरे लिए कब टाइम निकालो? मुझे बहुत खुशी होती है कि ये मुझे कम और औरों को ज्यादा समझते हैं। और वाकई में आप लोग दोनों जो कर रहे हो ना, वाकई में गोरखपुर का हर एक शख्स आप पे प्राउड कर रहा है भैया और भाभी, वाकई में चंद्रांश फाउंडेशन अलग करता है और करता रहेगा, इसी शुभकामनाएं के साथ। और आप दोनों को गोरखपुर का हम सिकंदर फील करती हूँ इनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, और वाकई में आप दोनों पर पूरा गोरखपुर गर्व करता है भैया भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर दस्तक हमेशा से ऐसी चीज़ें दिखाता रहा है जो अलग करते हैं लोग, लेकिन उन अलग करने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने अलग कर देते हैं कि हमें आना पड़ता है, ऐसे ही कुछ अलग अलग कहानियां आपको दिखाते रहेंगे। भैया भाभी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा, ये तिवारा मेरा धन्यवाद है इस वजह से क्योंकि दिल की भावना जो है ना वो नहीं निकल रही है मेरी। तो आप देख रहे हैं गोरखपुर दस्तक, डॉक्टरों का भी एक बार धन्यवाद ही दिखा दीजिए कि किस तरीके से डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, चंद्रांश फाउंडेशन छुट्टी के दिन भी यानी वैलेंटाइन डे के दिन भी ऐसा काम कर रहा है, वाकई में ये प्राउड फील करने वाली चीज़ें हैं। लोग आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और आपके आंखों का इलाज हो रहा है। मैंने कहा कि जैसे भैया ने कहा कि इश्क आंखों से होता है तो आंखों को ठीक किया जाए साहब, इस वजह से ये लोग आज ये अलग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे शांतनु हैं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी चंद्रांश फाउंडेशन अलग करता है, करता था, करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।